प्रभु तू जब तक हमें सहायता मदद नहीं करेगा, तू जब तक हमें सिखाएगा नहीं, पवित्र आत्मा जब तक हमें सिखाएगा नहीं, तब तक परमेश्वर पिता तेरे वचन को हम समझ नहीं सकते हैं। इसलिए हम तुझसे विनती करते हैं नम्रता के साथ, दीनता के साथ, परमेश्वर पिता आपके सामने जिस तरह 24 प्रायचिन अपने मुकुट को खोल के आपके सन्मुख में रख के आपके चरण में मुंह के बल गिर के जिस तरह स्वर्ग में दंडवत करते रहते हैं, उसी तरह सुबह के समय में हम तेरे लोग तेरे सामने मुंह के बल गिरते हैं, दंडवत करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपका नाम को ऊंचा करते हैं, आपके नाम को महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वचन सिखा, हम तुझसे सीखना चाहते हैं प्रभु। प्रभु परमेश्वर हम कुछ नहीं जानते हैं, आपसे सीखने के लिए आए हैं, तू हम सबों को सिखा स्वामी। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर ले पिता, आमेन आमेन। कृपया हम सबको बैठ जाए, सब किसी को एक और बार प्रभु यीशु के नाम से सब किसी को मैं स्वागत करता हूँ, सबको जय मसीह की। हम इस सुबह के समय में एक और बार उसी मुद्दा के आधार पर परमेश्वर के वचन को हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि लगातार हम तीन वचन को लेकर के परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते आ रहे हैं। पहला कुरिन्थियों का पत्री 3 अध्याय 16-17 और पहला कुरिन्थियों का पत्री 6 अध्याय 19-20 पद और रोमियो का पत्री 12 अध्याय पहला 2 पद के आधार पर हम पवित्र मंदिर के रूप में अपना जिंदगी को सजाने के लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, परमेश्वर के वचन हमें
उस जगह में ला करके खड़ा करने के लिए हम सबको ये परमेश्वर के वचन को इस मुद्दा के आधार पर पवित्र मंदिर बनो, इस मुद्दा के आधार पर हम लगातार परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते आ रहे हैं। मैं बीते हफ्ता पवित्र मंदिर बनो इस मुद्दा के आधार पर पाप पितरी यानी तीसरी बार तीसरा बाप मैंने प्रचार किया था। आज पवित्र मंदिर बनो पार्ट फोर उसी के बारे में चौथा भाग को मैं प्रचार करना चाहता हूं। उससे पहले एक बार और हम उन वचनों को याद करें, उसके बाद आज का संदेश को हम प्रभु के वचन से सुनेंगे। पहला कुरिन्थियों का पत्र उसकी तीसरी अध्याय 16-17-18 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो, वो मंदिर तुम हो। कोई अपने आप को धोखा न दे। बस ध्यान दीजिएगा, हम लगातार इस प्रचार करते समय में इस वचन को आपको याद दिलाते आया और आज भी मैं आपको याद दिला रहा हूं। हम परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर का आत्मा हम में वास करना चाहता है, हम एक पवित्र मंदिर हैं। और वैद्य धर्मशास्त्र हमें बारंबार शिक्षा देती है, तुम अपना नहीं हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का आत्मा रहने का स्थान है, तुम्हारा शरीर एक पवित्र मंदिर के समान है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करना चाहता है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि चर्च में जाए, मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, इस प्रकार संसार में जितने धर्म के लोग हैं सब कोई अपने अपने धार्मिक स्थल को ही मंदिर समझते हैं, परंतु वैद्य धर्म शास्त्र उससे बढ़कर एक कदम आगे हमें शिक्षा देती है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तुम्हारा परमेश्वर आत्मा है जो तुम्हारे अंदर वास करना चाहता है करके वैद्य धर्म शास्त्र हमें शिक्षा देती है। मैं उस वचन को भी आपके सामने लाना चाहता हूं, पढ़ेंगे 6 अध्याय उसका 19 और 20 पद को हम पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और वह तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर तुम मोल लिए गए हो इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं बारंबार आपका ध्यान को इस वचन को और आकर्षण करने के लिए कोशिश करता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का एक संदेश को हमेशा याद रखना करके कहने से अच्छा प्रतिदिन याद रखना है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में था उस समय उसने एक बात पर जोर दिया, अपने प्रचारों में एक प्रचार के ऊपर बहुत जोर दिया कि जो आगे है वे पीछे हो जाएंगे, जो पीछे है वे आगे चले जाएंगे। मैं आपसे सीधे सीधे बोलना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप मानते हैं ये अंतिम आखिरी समय है, दुनिया का अंतिम घड़ी आ गई है, दुनिया की अंत होने के लिए अंतिम घंटी बजने वाली है, अगर आप इन बातों से सहमत होते हैं, मैं एक और बात को भी इसके साथ जोड़ रहा हूं, अगर आपका विवेक और आत्मा आपको गवाही देती है कि ये हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जल्द से जल्दी इस दुनिया में आने वाला है, जब आप इन बातों को मानते हैं तो मैं आपसे सीधे पूछना चाहता हूं, आप इस दुनिया छोड़ के उस दुनिया, ये दुनिया अंत हो जाएगी, वो दुनिया जहां परमेश्वर विराजमान है उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए आप अपने आप को कितना तैयार करते हैं, आप में कितना तैयारी होती है। मैं आपसे इसी बात के ऊपर जोर देना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो जो आगे हैं वे पीछे हो जाएंगे, जो पीछे हैं वे आगे जाएंगे करके प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा था उस वचन को मैं तो कहूंगा प्रतिदिन आप अपने जीवन के ऊपर लागू करके देखिए, आप आगे की ओर जाते हैं या पीछे की ओर जाते हैं। अगर आप इस दुनिया छोड़ने के लिए तैयार होते हैं,
आप स्वर्ग राज्य में जाने के लिए तैयार होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की इंतजार करते हैं, तो आप अपने शरीर को किसी प्रकार के पाप और गंदगी और दाग, किसी प्रकार के अपराध, किसी प्रकार का गुनाह, किसी प्रकार की आप अपने शरीर के अंगों के द्वारा परमेश्वर की रुष दिलाने वाले पाप नहीं करेंगे। ये इसके लिए एक अच्छा सच्चा पहचान है जो आपके सामने दिखाई देना चाहिए प्रतिदिन, कि आप किस प्रकार अपना शरीर को तैयार करते हैं। इस शरीर परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने लायक है या परमेश्वर की आत्मा हमें छोड़ करके निकल गया है। साउल नामक एक राजा था, उसको यह भी मालूम नहीं था कि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर से निकल गया, और उसके अंदर उसको यह भी मालूम नहीं था उसके अंदर दुष्ट आत्मा आता था, और उस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए दाऊद को बाजा बजाना पड़ती थी। मेरे प्यारे, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, वो व्यक्ति साधारण मामूली इंसान नहीं था, इज़राइल देश के लिए परमेश्वर का चुना हुआ, अभिषिक्त किया हुआ दास, परमेश्वर का, परमेश्वर की ओर से इज़राइलियों के लिए पहला राजा के पद के लिए चुना हुआ इंसान, इतना बड़ी पद, इतना गरिमा से भरा हुआ एक ताकतवर पद में रहने वाला इंसान, जिसको परमेश्वर ने चुना, जिसको परमेश्वर ने शमूएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा अभिषेक किया, उस व्यक्ति को यह नहीं मालूम होता है कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है कि नहीं, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर इस वक्त है कि नहीं, या मुझे छोड़ के निकल गया कि नहीं, और दुष्ट आत्मा कब आता कब जाता उसको वो भी पता नहीं, क्योंकि वो अपना जिंदगी अर्थात अपना शरीर को परमेश्वर का मंदिर के रूप में रखने के जगह में वो फेल कर गया। लेकिन वो तो पुराने नियम की बात है, लेकिन अभी हम नए नियम में हैं, हमारा शरीर को परमेश्वर अपना रहने का स्थान बना करके हमारे अंदर वो रहना चाहता है। तो इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिए, क्या तुम नहीं जानते, 19 पद को पढ़ रहा हूं, तुम्हारे देह तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करना चाहता है। जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को इस्तेमाल किया, जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद रोमियों की पत्री 8 अध्याय के 11 पद में लिखा है कि उस पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा ने उसको जिलाया, तीसरे दिन जिलाया, उस पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह जीवित रहने के समय में उसके द्वारा काम किया, मरने के बाद तीसरा दिन उसको जिलाया, प्रभु यीशु मसीह उठा लिए जाने के बाद कलीसिया को चलाने लगा। आज तक कलीसिया को पवित्र आत्मा ही चलाने का हक रखता है, और वही पवित्र आत्मा चाहे पत्रस हो, चाहे पौलुस हो, चाहे यूहन्ना हो, चाहे याकूब हो, चाहे फिलिपुस हो, चाहे अंद्रयास हो, जो भी प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, उन हरे को इस्तेमाल किया, क्योंकि उनके अंदर वो आत्मा वास किया। आज अंतिम समय में हम जो पाए जाते हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा किस प्रकार हमारे अंदर समा हुआ है, हमारे अंदर वास करता है, इस पर जब आप ध्यान रखिएगा, तब जरूर आपका शरीर पवित्र आत्मा का रहने का स्थान अर्थात परमेश्वर का मंदिर के रूप में परमेश्वर को भी दिखाई देगी, आपको भी दिखाई देगी, और आपके चारों तरफ रहने वाले लोगों को भी दिखाई देगी, कि लोग आपके बारे में कहेंगे ये व्यक्ति अन्याय के साथ कभी नहीं दे सकता, ये व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, ये व्यक्ति अपराध नहीं कर सकता, ये व्यक्ति पाप नहीं कर सकता, ये व्यक्ति अधर्म नहीं कर सकता, ये व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ में कभी काम नहीं कर सकता, ये व्यक्ति इंसान के खिलाफ में कभी नहीं काम कर सकता। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे अंदर एक डर हमेशा बना रहेगा कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, पवित्र आत्मा का मंदिर जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से ही मिला है, और इसके लिए हमने कुछ नहीं किया है, परमेश्वर की ओर से ये हमें मिला है, तुम अपने नहीं हो। ये बात पर ध्यान दीजिए, यहीं पर यही नींव है, हम अपने नहीं हैं, हमारे ऊपर किसी का अधिकार है, हमारे लिए किसी ने कर्ज किया है, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमारे अधर्मों को मिटाने के लिए, हमारा पाप के चलते जो दाग बनी हुई थी उन दागों को खत्म करने के लिए किसी ने हमारे ऊपर खर्च किया है, उन सारी
कोई केस, मान लीजिए गाड़ी चलाते हैं, किसी को आप ठोकर मार दिए, उन ठोकर मारने के चलते उनका गाड़ी में 5000 रुपया भी खर्च करना पड़ रहा है, तभी वो गाड़ी पुराने पहले जैसे वो गाड़ी बन पाएगी। ऐसे समय में आपसे 5000 रुपया जुर्माना लिया जाता है, ये संसारिक नियम और कानून है। तो ये इस प्रकार की बात ऐसा है। मैं एक और बात बोल रहा हूँ, आपके घर में आप जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उसका आप सरकार से ऐसे नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, हर महीना आपको पैसा वहां जमा करना पड़ता है। आपकी गाड़ी के लिए पेट्रोल लेना है तो आपको फ्री में नहीं मिलेगा, उसके लिए जिस तरह आप पेट्रोल पंप में जाते हैं 1 लीटर चाहे 10 लीटर जितना भी भरते हैं उतना पैसा वहां आपको देना पड़ता है इस रीति से, उसके बाद ही वो चीज आपका है, अपना है। तो इसी रीति से बाइबल धर्मशास्त्र में सिखाती है कि तुम अपने नहीं हो। तब इसका मतलब क्या है, हम अपने नहीं है तो हमारे ऊपर अगला कोई है, तो हमारे ऊपर किसी का दांव चलता है, हम किसी के अधीन में हैं, किसी ने हमें खरीद लिया, किसी ने हमारे लिए मोल लिया है। तो इसका इसी के बारे में 20 पद में लिखा है कि क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपना देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमारा पापों को दाम प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया है। जब हम पाप ही थे तभी मसीह यीशु अपने शरीर को क्रूस पर बलिदान दिया और उसने अपना एक बूंद लघु को भी अंदर रख नहीं छोड़ा। हमारे लिए सभी अपने शरीर के अंदर का सभी खून बहा के, लहू बहा करके हमें मोल लिया। हम उस समय तक जब तक यीशु क्रूस पर मरा नहीं था तब तक हम शैतान के बंधन में थे, शैतान के अधीन में थे, शैतान के अंधकार में थे, शैतान के हम चंगुल में फंसे हुए थे। जब प्रभु यीशु अपना जिंदगी को अपना जीवन को क्रूस पर बलिदान दिया था उस समय हमारे लिए छुटकारा मिला, उस समय हमारे लिए आजादी मिली। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र बताती है पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। जब तक यीशु नहीं छुटकारा देगा तब तक इंसान को छुटकारा नहीं है। दुनिया में बहुत देवी देवताएं आए, दुनिया में बहुत सारे अवतार लेकर के लोग आए अपना काम किए चले गए, लेकिन ऐसा कोई इतिहास कहीं भी नहीं है मानव जाति के पापों को क्षमा करने के लिए किसी देवता स्वर्ग से उतरकर इस धरती में अपना जीवन को बलिदान दिया हो, मार काया हो, पूरा खून से लथपथ हो गया हो, पूरा उसका शरीर जख्म हो गया हो। इस प्रकार का यीशु मसीह के छोड़, प्रभु यीशु मसीह के छोड़ दूसरा इतिहास कहीं भी नहीं है। हाँ, ये इस प्रकार की इतिहास है, बहुत देवी देवताओं ने बलि मांगा, कोई बेर दिया, कोई बकरी दिया, कोई कबूतर दिया, कोई मुर्गा दिया, इस प्रकार अपने सुविधा के अनुसार कोई बैल दिया, कोई भैंस दिया, इस प्रकार आपको जगह भैंस भी देता है। हाँ जी, नेपाल में आप जाएंगे गढ़ी माई करके वहां एक मंदिर है, वहां पर हजारों हजार भैंस काटा जाता है। तो इतना भैंस काटा जाता है उस जगह में कि आप चलते समय में आराम से चल नहीं सकते क्योंकि खून के ऊपर आपको चलना पड़ेगा, आपका कपड़ा सब खून से रंगा जाएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं हमारे लिए प्रभु यीशु अपना जीवन को कुर्बान करके, अपने लहू बहा के, अपना जीवन दे करके हमें शैतान के बंधन से वो मोल ले लिया, खरीद लिया है। इस कारण बाइबल धर्मशास्त्र में शिक्षा देती है तुम अपने नहीं हो, तुम मोल लिए गए हो। दाम देकर यीशु प्रभु ने अपना जीवन को भी दान के रूप में, बलिदान के रूप में दिया, अपना खून को भी उसने हमारे लिए बहा करके हमें मोल लिया। इसलिए हम अपने नहीं हैं, हमारे ऊपर एक है जो हमारे ऊपर अपना अधिकार रखता है, उसी का नाम प्रभु यीशु। हम अपना माता पिता के ऊपर अधिकार नहीं रख सकते क्योंकि उन्होंने हमें संसार में लाया है। इसी रीति से जब हम अपने माँ बाप के ऊपर अधिकार नहीं रख सकते हैं, उन लोग जो बोलते वही आपको करना पड़ता है, लेकिन वो ये संसारिक रिश्ता है। अगर ईश्वर इंसान के बीच के रिश्ता क्या है करके अगर आप समझना चाहते हैं, हम उसको चला नहीं सकते हैं, उसकी कहने के अनुसार हमको चलना पड़ेगा, तभी हम एक पवित्र मंदिर बनकर के जीवन जी पाएंगे।
मैं आज एक खास बात को आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। रोमियो के पत्री उसकी 12 अध्याय एक दो वचन को मैं अभी नहीं पढ़वा रहा हूं, इसलिए समय उसी में समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिए, हम अपने नहीं हैं, दाम दे करके हमें यीशु मसीह अपने लिए खरीद लिया, मोल लिया। इस कारण बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, इसलिए अपने देह के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो हम अपने शरीर के द्वारा कितना हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, इस शरीर को कितना हम पवित्र रखते हैं, इस शरीर को हम कितना पावन रखते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर पावन है, पवित्र है। और उसने कहा कि मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी अपने हर चाल चलन में पवित्र बने रहो। ये परमेश्वर का आदेश है, तो हम इसको काट नहीं सकते हैं। अगर आप उसकी इंतजार करते हैं, अगर आप उसके लिए संसार में जीते हैं, अगर आप इस संसार में जीने का ये जो समय है, इसको उस दुनिया में जाने के लिए तैयारी करने के लिए अपने तैयारी करते हुए अगर आप जीते हैं, तो आप इस वचन से सहमत होंगे। हाँ सही बात है, मैं अपना नहीं हूं, मुझे बचाने के लिए, मुझे नरक से, नरक की आग से, नरक इंसान के लिए नहीं बनाया गया, शैतान और उसके साथ जो झुंड है उसके लिए बनाया गया। लेकिन आज इस बात को हम इंसान न समझने के कारण हम नरकीय जीवन जी करके हम उसी नरक में जाना चाहते हैं जहां परमेश्वर केवल शैतान और उसको झुंड कर रखना चाहता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। सुबह के समय में मैं एक नई बात को आपके सामने लाना चाहता हूं। कंसिस्टेंस लाइफ, संगति जीवन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम एक सवाल मैं प्रत्येक हफ्ता बीते दिनों में आप प्रचार को सही तरह से फॉलो किए होंगे तो आपको एक बात समझ में आता होगा, आखिर हम कैसे पवित्र मंदिर बन सकते हैं। मैं सवाल के साथ हम प्रचार करते आए, आज भी मैं सवाल के साथ प्रचार कर रहा हूं कि हम कैसे पवित्र मंदिर बन सकते हैं, हम कैसे पवित्र मंदिर बनकर के संसार में जी सकते हैं। उसके लिए कंसिस्टेंस लाइफ चाहिए, संगति की जीवन। क्या संगति? परमेश्वर के साथ की संगति, पवित्रता की संगति, वचन की संगति, प्रभु यीशु की संगति, पवित्र आत्मा की संगति, इन सारे संगति के जो भी बातें हैं इसमें हमको और गहराई में जाना होगा, तभी हम अपना शरीर को परमेश्वर का भीतर आने और इस शरीर में रहने लायक एक पवित्र मंदिर बनकर के बना करके रख सकते हैं। क्योंकि दुनिया में प्रतिदिन पाप बढ़ते जाती है, जहां पाप बढ़ती है वहां परमेश्वर का अनुग्रह भी बढ़ता है। इसलिए इस प्रकार का वचन सुनने के लिए परमेश्वर मौका हमें देता है, बारंबार अवसर देता है, क्योंकि वो समय निकट है, प्रभु यीशु मसीह के वापस इस संसार में आने का समय निकट है। तो उससे पहले हम अपने आप को तैयार करने के लिए परमेश्वर अवसर देता है। कंसिस्टेंस लाइफ का मतलब क्या है, संगति के जीवन उसका मतलब क्या है? मैं दो या तीन लोगों को पहले वचन नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आपको समझने के लिए तीन उदाहरण देता हूं। पुराना नियम में दो जन, एक सिमसोन अभिषिक्त दास नासरी, जैसे यीशु मसीह नासरी थे उसी तरह पुराना नियम में सिमसोन नासरी बुलाहट उसको मिला था। बाल लंबा लंबा जितना बढ़ेगा उतना बढ़ते जाएगा, शादी नहीं करना है, लाश को नहीं छूना है, लाश के पास नहीं जाना है और दाखमधु नहीं पीना है, इस प्रकार यानी नशीली पदार्थों को इस्तेमाल नहीं करना है, इस प्रकार के कई कानून था नासरी जीवन जीने के लिए। उस प्रकार एक महत्वपूर्ण जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने सिमसोन को चुना और उसका जन्म लेने से पहले उसके माता पिता से परमेश्वर का दूत के द्वारा संदेश दी जाती है, इसी प्रकार आपका बेटा रहेगा, वो इज़राइलियों के लिए रक्षक बनेगा और उसकी जन्म इज़राइलियों के लिए लोगों के दिल को एकदम गदगद का आनंदित और मगन हो जाएंगे इज़राइली लोग। उस प्रकार वो शूरवीर शमा होगा और इज़राइल की वो अगुवाई करेगा और राजा के रूप में एक अगुवाई, एक अच्छा न्यायी के रूप में वो इज़राइलियों के लिए काम करेगा करके उसके बारे में परमेश्वर उसके माता पिता से सूचना देता है स्वर्गदूत के द्वारा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी
जब उसकी जन्म हुई थी और जब से वो सब कुछ करने लगा, सब कुछ जब ठीक चल रहा था, तब तक उसका जिंदगी परमेश्वर के साथ, उसकी संगति परमेश्वर के साथ सही था। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर ने उसके लिए आज्ञा बना, उसके लिए आज्ञा, उसके उसके ऊपर एक प्रतिबंध लगाया कि शादी तुम नहीं करेगा तुम्हारा, क्योंकि तुम नासरी बुलाहार के साथ जीने के लिए मैं तुमको इज़राइल के देश को, इज़राइलियों को बचाने के लिए एक रक्षक के रूप में मैं खड़ा करता हूं, इसलिए तुमको इसी तरह जीना होगा। लेकिन वो सारी बातों को कुछ दिन तक वो फॉलो करता रहा, उसके बाद उस शरीर, उसका शरीर को उसने अशुद्ध कर लिया। अनगिनत स्त्रियों के साथ उसकी शारीरिक संबंध हुई, उसके चलते बेविचार के पाप में वो गिर गया। गिरने के चलते अपने दिल की बात को वो एक स्त्री से दलीला करके, जो स्त्री थी उसके उसकी गोद में लेट करके उससे बोलता है कि मेरा बाल सब काट देंगे तो मेरा बल खत्म हो जाएगा। उसके चलते देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर हमेशा हमें इस प्रकार की शिक्षा देता है। बाइबल धर्म शास्त्र में हम पढ़ते हैं, ये करो ये नहीं करो, जो परमेश्वर की आज्ञा है उसको हमें आखिरी तक मानना होगा। जो जिन जिन बातों को करो करके बाइबल बतलाती है, उनको उन बातों को करना है, कितना भी कठिनाई क्यों ना हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन का मार्ग बहुत संकरा है और पाप नरक के वो जाने के जो मार्ग है, जो इस संसार के मनोरंजन के जीवन जीने का जो मार्ग है वो तो चौड़ा है, वहां कोई रोक टोक नहीं है। कितना भी आप पाप कर सकते हो, कितना भी आप तुम अन्याय कर सकते हो, कितना भी तुम अनर्थ कार्य कर सकते हो, तो इन बातों के बारे में सिमसोन को पता था, ये करना है ये नहीं करना। अगर मैं ये करूंगा परमेश्वर मेरे साथ रहेगा, मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसकी संगति में बना रहूंगा। अगर मैं परमेश्वर जिन जिन बातों को ना करके कहा है, मना किया है, करने के लिए रोकता है, उन कामों को मैं अगर करूंगा, इसका मतलब मैं परमेश्वर की संगति नहीं चाहता हूं, मैं संसार के पाप की संगति अर्थात शैतान की संगति चाहता हूं। उसके चलते सिमसोन अपने दिल की बात को उसे बेसिया से बोलता है, उसी तरह वो करती है और उसका बालों को काट देती है, उसका बल खत्म हो जाता है। फिर उसके शत्रु लोगों को बुलाती है, उन लोगों का से वो पकड़वा देती है, उन लोग ले जाते हैं जेल में बंद करते हैं, उसके आंखों को खोद के निकाल देते हैं, अंधा बना देते हैं और वो आटा चक्की में उसको बैठाया जाता है, वो आटा पीसने के काम करने लगता है। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसका अंदर, वो बाइबल धर्म शास्त्र बतलाती है, अचानक उसके शरीर में पवित्र आत्मा बहुत सामर्थ्य के साथ उतरता था। जब वो सामर्थ पाता था, उस समय वो किसी को भी कुछ नहीं समझता था। हजार लोग उसके सामने हजार चींटी के समान थे, एक बार पैर रख के दाबने के जैसे दाब करके खत्म कर देता, इतना शक्ति उसमें आता था। परमेश्वर इज़राइलियों को बचाने के लिए एक सेना को तैयार नहीं किया, एक व्यक्ति को तैयार किया जिसका नाम सिमसोन, वही सारा काम को कर लेगा। इसके लिए 10 लाख 20 लाख 50 लाख सेना लेकर के लड़ने की कोई जरूरत नहीं, मेरा ताकत को दुनिया जानेगी, सिमसोन अकेले लड़ करके सारा काम को तमाम कर देगा। इतना उसके अंदर शक्ति थी, इतना उसके अंदर सामर्थ्य थी। मैं आपसे बतला रहा हूं, एक महान प्रचारक एक बार प्रचार कर रहे थे सिमसोन के बारे में, वो किसी किताब में पढ़ करके प्रचार में बोल रहे थे, सिमसोन करके नाम सुनते ही फिलिस्ती लोग पेशाब करते थे, इतना उसके प्रति लोगों के अंदर डर बना हुआ था। लेकिन अब वो व्यक्ति जेल खाना में है, जिसका आंख दोनों निकाल दिया गया है, अंधा बन गया, उसका बाल काट दिया गया है, अभी वहां के लोगों के लिए ये आटा पीस के देने के काम में लग गया। मेरी बात को समझने की कोशिश, जब हमारी संगति परमेश्वर से हटेगी हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, हमारा कोई नाम नहीं रहेगा, हमारा कोई पहचान नहीं रहेगा, हमारा अभिषेक खत्म हो जाएगा, हमारा परमेश्वर के साथ की जो रिश्ता वो खत्म हो जाएगी। मैं इस बात को इसलिए इस तरह बोल रहा हूं कि जिस तरह हम संगति परमेश्वर के साथ रखते हैं उसी तरह उसका सामर्थ्य में, मैं अगर सीधे सीधे कहा रहे इस संदेश के अनुसार,
तब तक ही हम एक परमेश्वर का पवित्र मंदिर बन करके रह सकते हैं, जब तक हमारी संगति, जब तक हमारी रिश्ता परमेश्वर के साथ रहती है। एक सिमसोन की जिंदगी के बारे में, अंत में वो 3000 जरूर फिलिस्तीनियों को मार डाला, लेकिन उसका नाम के ऊपर जो कलंक आया है, उसके नाम के ऊपर जो दाग लगी थी, आज भी कलीसिया में उसके बारे में इसी तरह प्रचार करते हैं कि सिमसोन बेविचारियों के साथ रिश्ता बना करके परमेश्वर के रिश्ता को छोड़ दिया। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, सुलेमान का भी जिंदगी इसी तरह था। सुलेमान को परमेश्वर अपने आत्मा का ताकत दिया, अपने ज्ञान को दिया, और उसके बारे में परमेश्वर ने कहा इसके पहले ना इसके जैसे इंसान था, ना इसके बाद इसके जैसे कोई इंसान रहेगा, एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर मैं बोल रहा हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र थे, परमेश्वर का पुत्र है, उसके साथ हम सुलेमान को तुलना नहीं कर सकते। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, इंसानों में, इस दुनिया में जितने इंसाने जन्म लिए थे, उन इंसानों में से सुलेमान के जैसे ज्ञानवान पुरुष सुलेमान के पहले नहीं था ना बाद में आएगा। इतना परमेश्वर बुद्धि, इतना परमेश्वर के ज्ञान, इतना परमेश्वर का जो है सारे कामों को करने का ज्ञान बुद्धि परमेश्वर उसको दे करके उसको परिपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण किया था, लेकिन वो ज्ञान उसको परमेश्वर की संगति में जो रखने के लिए दिया गया था, लोगों की संगति, लोगों की सेवा के लिए परमेश्वर के साथ संगति करना, वो ज्ञान क्यों दिया गया, परमेश्वर क्यों उस प्रकार के बुद्धि ज्ञान दिया है, उसका महत्वपूर्ण कारण परमेश्वर के साथ रह करके इसराइलियों की अगुवाई करना। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, इस प्रकार की ज्ञान परमेश्वर देने का एक और कारण था, क्योंकि ये तो कम उम्र का लड़का था, सुलेमान शूरवीर नहीं था, उसके पिताजी के समान, दाऊद के समान उस प्रकार का एक जबरदस्त अभिषेक सुलेमान के ऊपर नहीं था, शूरवीर नहीं था, वो तलवार लेकर के लड़ने का क्षमतादार नहीं था, लेकिन उम्र भी कम था, कम उम्र में राजा बन गया। अब दाऊद जिस गद्दी में बैठ करके पूरा इसराइलियों को शासन करता था, इसराइलियों को अगुवाई करता था, इसराइलियों को राजा बनकर के एक अच्छा पिता के स्थान में इसराइलियों को अगुवाई किया था, उतना काम सुलेमान नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके अंदर उस प्रकार का बुद्धि ज्ञान अनुभव शक्ति अभिषेक सामर्थ संगति भी परमेश्वर के साथ दाऊद के समान सुलेमान का नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उसको इतना बुद्धि दिया, इतना ज्ञान दिया, तब पर भी उसको उसने गलत तरीका से इस्तेमाल किया। इसके चलते एक औरत के साथ जीने के लिए पुराना नियम में बात कुछ और है, फिर भी लेकिन वो तो हजार औरतों का साथ दिया, और वो सब कोई एक बात के लिए मैं बोल रहा हूं, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन एक बात के लिए बोल रहा हूं, इसराइलियों की लड़कियों का साथ नहीं, उन दिनों में दुनिया भर के सभी देश की लड़कियों को वो अपने देश में ले आकर के शादी करके उन लोगों के साथ जीता था, जिसके चलते जिस देश की लड़की आती थी उस देश की मूर्तियों को लेकर के आती थी, उन मूर्तियों को पूजा करने का आदत इसने इसराइलियों को डरवा दिया। भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, संगति परमेश्वर से अलग होने के चलते किस प्रकार जिंदगी बर्बाद होती है। जब हमारी संगति परमेश्वर से अलग होती है, ना केवल हम खराब होंगे, हम अपना पूरा देश के लोगों को भी खराब कर देंगे। आप पूछेंगे कि एक आदमी क्या पूरा देश को खराब कर सकता है? हाँ करता है जी, कितने देश एक आदमी के चलते बर्बाद हो जाती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दुनिया में देख रहे हैं, हर देश में देख रहे हैं, एक आदमी के चलते, सुलेमान के चलते नुकसान हुआ है। सुलेमान के चलते इसराइल में, जब राजा दाऊद राजा राजपद में था, इसराइल में मूर्ति पूजा करने के लिए मना होती थी, वो उसके विरोध करता था, सख्त विरोध करता था, लेकिन जब सुलेमान राजा बन गया था, वो जितने देश की लड़कियों को ले आकर के पत्नी बना करके सुलेमान अपने देश में जीना शुरू कर दिया, उसके बाद वो वहां से सभी देवताओं को वो एक्सपोर्ट करने लगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों होने लगा, इधर से उधर, उधर से इधर, देश देश में से देवताओं को ले आकर के गुम्मट, बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, मैं सभी वचनों को दिखाने के लिए मेरे पास समय नहीं, बड़ा बड़ा गुम्मट बनाकर के उसके ऊपर मूर्तियों को खड़ा करते थे, ताकि लोग देखे पूजा करें दंडवत करें।
भाई बहन मेरी बात को मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं, जब तक हमारी संगति परमेश्वर के साथ सही रहती है तब तक हम अपना शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर के रूप में परमेश्वर मेरे अंदर आकर के रहने लायक जगह स्थान बना करके हम जिएंगे। जब हमारा कंसिस्टेंट लाइफ परमेश्वर के साथ जीने का जो संगति से भरा, संगति के जीवन, साथ के जीवन, उसके साथ मिलके उसके उसके डरबाय में, उसकी भक्ति में, उसके डील डोल में जो जीने का जीवन है उसी को बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइफ। तो हम उस संगति के जीवन में जरा सा भी हटेंगे, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत लोगों को परमेश्वर से हम हटाने का क्षमता रखते हैं। आज परमेश्वर हमसे बातचीत करने के लिए अपने कानों को, आत्मिक कानों को खोल करके सुनिए परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। मैं एक और व्यक्ति को भी आपके सामने रखता हूं, ध्यान दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह के साथ ही साथ था यूदास, यहूदास इस्कारियोती, लेकिन वो भी साथ ही साथ रह करके, एक ताली में गाने वाला, एक चटाई में सोने वाला, एक कमरा में यीशु के साथ रहने वाला, एक बर्तन में पीने वाला, प्रभु भोज जब वे करते थे उस प्रकार, मैं एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, इस प्रकार यीशु के शरीर के साथ सट के चलने वाला था 12 चेलों में से एक चेला यहूदास इस्कारियोती, लेकिन उसने अंत में यीशु का संगति छोड़ दिया, परमेश्वर का संगति छोड़ दिया, उसके चलते उसके नेचुरल डेथ जिस तरह होना चाहिए था, स्वाभाविक मृत्यु जिस तरह होना चाहिए था वो नहीं हुआ, वो आत्महत्या करके उसको मरना पड़ा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, संगति कंसिस्टेंस लाइफ, हमारी संगति परमेश्वर संगति के जीवन, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर की भय, परमेश्वर की डील डोल, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की साथ की रिश्ता, इन सारी बातों में इसी को कंसिस्टेंट लाइफ बोलते हैं। तो इसके बारे में आप जरा विचार विमर्श कीजिए कि परमेश्वर के साथ आपकी रिश्ता किस तरह है, एक दो उंगली से आप परमेश्वर को पकड़े हैं या दोनों हाथों को बढ़ा करके उसे गले लगा करके उसको कस के पकड़े हुए हैं। जरा सा समझने की कोशिश कीजिए, दो उंगली से भी आप पकड़ सकते हैं परमेश्वर को, उसका एक उंगली पकड़ करके उसके साथ चल सकते हैं या दोनों हाथों को बढ़ा करके उसे गले लगा करके तो मुझे चाहिए, हम तेरे बगैर जी नहीं सकते, इस प्रकार की रिश्ता आपकी परमेश्वर के साथ है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको इन तीन लोगों के साथ साथ दो पॉजिटिव साइड में दो बातें मैं बता रहा हूं, बिल्कुल वे परमेश्वर के साथ रहने लायक नहीं थे लेकिन उन्हें परमेश्वर अपना लिया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, इस पर ध्यान दीजिए, राहाब नामक एक वेश्या थी जो परमेश्वर के लोगों को मदद की थी, वो अपने लोगों की संगति, अपने जिंदगी, वो वेश्या एकदम पूरा जाना पहचाना मोहर लगाया हुआ वेशी थी, उस वेश्या परमेश्वर के लोगों के संगति को चाहते हुए इनकी परमेश्वर मुझे भी चाहिए, इनका उद्धार करता प्रभु यीशु मुझे भी चाहिए, मैं उस यीशु को चाहता हूं, मैं उस जीवित परमेश्वर को चाहती हूं, मैं उस जीवित परमेश्वर की बेटी बनकर के मैं इस जिंदगी से अलग होना चाहती हूं, इसके चलते परमेश्वर के लोगों को मदद करती है। तो परमेश्वर के लोगों को मदद करने के चलते जब वो शहर नाश किया जा रहा था, केवल राहाब और उसकी घराने के लोग बच गए, वे परमेश्वर के लोगों का साथ। देखिए ये मामूली बात नहीं है, मुझे परमेश्वर चाहिए, संगति कंसिस्टेंट लाइफ, आप क्या चाहते हैं उस पर ध्यान दीजिए, आप किसके साथ जीना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किसके साथ किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं। मुझे इस वेश्या पद से नफरत आ गई, मैं बेविचार की जो पाप है उसको, उस पाप को करने के चलते मैं भी अशुद्ध हो गई थी और मैंने बहुतों को अशुद्ध कर दी थी, मैं भी अशुद्ध हो गई हूं, बहुतों को मैं अशुद्ध कर भी दी हूं। तो इस नफरत की जिंदगी से मैं हटना चाहती हूं, मैं अपना दिल को बदलना चाहती हूं, मैं अपना शरीर को जो गंदा करके रखी हूं, इस शरीर में उस जीवित परमेश्वर, इज़राइलियों का जो परमेश्वर है, जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, उस यहोवा परमेश्वर के लिए मैं अपना शरीर को देना चाहती हूं ताकि वो आकर के मेरा शरीर को सजाए,
मेरा पाप को समाप्त करे, मेरे अंदर का गंदगी को दूर करे, मुझे शुद्ध करे। जब उसके चाहत इस प्रकार बदल गई थी, उसको परमेश्वर के घर में जगह मिल गया, वो आ गई अंदर, जबकि वो अन्य जाती थी। आप, मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है, आप मत्ती पहला अध्याय जब यीशु मसीह का वंशावली के बारे में आप पढ़ते हैं, उस जगह में इस वेसी राहाब का नाम दर्ज किया हुआ है। कितना बड़ा पद है। जब देखिए मन फिराव की जो जिंदगी है, हमको, हम कितना भी पापी, कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, लेकिन हमारा मन फिराव का जो जीवन है, अगर वो सही होती है, परमेश्वर हमारा नाम को नरक से मिटा करके स्वर्ग में जीवन का पुस्तक में लिखेगा। आज इसी प्रकार के जीवन जीने वालों को परमेश्वर खोजता है, ताकि उनका शरीर में मैं आके वास करूं, उनके द्वारा मैं बहुतों को दिखाई दूं। एक और व्यक्ति के बारे में मैं आपको एनकरेज करने के लिए बोल रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर मर रहा था, मरने से कुछ देर के पहले एक चोर, दो चोर थे, उसमें एक कहता है कि प्रभु यीशु जब तेरा राज आवे तब मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, आप मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए, आप मेरे ऊपर दया कीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहता प्रभु, मुझे इस संसार की जिंदगी से नफरत हो गई, मैं इस संसार के पाप से नफरत करता हूं, अब मैं जिंदगी भर मैंने अपने जिंदगी में बहुत पाप किया, अब मरने के समय पर आ गए, प्रभु हम पर दया कीजिए, अगर तू सचमुच परमेश्वर पिता का पुत्र है, जब तेरा राज आए मुझे याद कीजिए, मुझे स्मरण करना। प्रभु उसका जवाब देता है, आज तुम मेरे साथ विश्राम के घर में रहोगे, परदेश में मेरे साथ तुम रहोगे। प्रभु उसको जवाब देता है, यही जवाब हमारे लिए भी है। मैं आपसे इसलिए इस बात को, इन पांच लोगों के बारे में आपके सामने लाया था, जल्दी जल्दी इस पर ध्यान दीजिए। कंसिस्टेंस लाइफ, संगति की जीवन। आज हम किसके साथ ज्यादा संगति रखते हैं? आज का दुनिया मोबाइल का दुनिया है, आज का दुनिया लैपटॉप का दुनिया है, आज का दुनिया फेसबुक का दुनिया है, आज का दुनिया व्हाट्सएप का दुनिया है। इन सारी बातों में हम अगर पूरा दिन गुजार देते हैं, आप परमेश्वर का पुत्र है या पुत्री करके कैसे अपने आप को बेशर्म होकर के बोलते हैं? थोड़ा सा शर्म करो। सुबह के समय में हमें ये समझने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के साथ कितना संगति करते हुए उसके निकट में है, हम कितना उसके साथ हम निकट हैं, कितना हम उसके आवाज को सुनने की दूरी में हैं, कितना हम उसकी बातों को अपनाने की दूरी में हैं, कितना हम उसकी मार्ग में चलने के लिए अपने आप को रोज अपने आप को उस परमेश्वर के वेदी पर चढ़ाते हुए, अर्पण करते हुए हम अपने जीवन को जी रहे हैं। इन बातों को समझने के लिए मैं कोशिश करूंगा चार बात का आपके सामने रखने के लिए। नंबर एक, ध्यान दीजिए, इसी के आधार पर मैं प्रचार करना चाहता हूं। फिलिपियों के पत्री, उसकी पहला दिया है, फिलिपियों के पत्री उसकी पहला दिया है, 27 और 28 पद को लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि कंसिस्टेंस लाइफ मतलब संगति की जीवन, परमेश्वर के साथ की जो संगति होती है, उस जीवन सही रहेगा तो हम परमेश्वर का मंदिर बन के जी सकते हैं। अगर परमेश्वर के साथ चलने का जो जीवन है, वो जिंदगी में, उस रिश्ता में कोई तरह का अगर गड़बड़ी हो जाए, जैसे हमारा मोबाइल टावर जहां तक काम करता है वहां तक हम किसी से भी बात कर लेते हैं, जहां टावर नहीं काम करती है वहां हम किसी से काम नहीं कर पाते, किसी से बात नहीं कर पाते हैं। चाहे आपका मोबाइल 5000 का हो, चाहे आपका मोबाइल 50000 का क्यों ना हो, पैसा से कोई मतलब नहीं है। तो उस कनेक्शन, संगति, रिश्ता, तो इस उद्देश्य के साथ मैं आपके सामने चार बात को रखता हूं। फिलिपियों के पत्री उसकी पहला अध्याय 27 और 28 पद को पढ़ेंगे। पहले 27 पद को पढ़ेंगे। केवल इतना करो कि, पौलुस किस तरह बतलाता मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। तुम्हारा चाल चलन मसीह यीशु का चाल चलन, मसीह यीशु का सुसमाचार की योग्य हो। चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, कि चाहे मैं फिलिपियों, फिलिपी कलीसिया के लोगों, फिलिपी कलीसिया के विश्वासियों, मेरी बात पर ध्यान दो, चाहे मैं आकर तुम लोगों को अपने आंखों से देखूं, चाहे ना भी आऊं,
तुम्हारे विषय में यही सुनो, तुम्हारे विषय में मैं यही सुनना चाहता हूँ कि आत्मा में स्थिर हो, कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए, एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। ध्यान दीजिए, बहुत सारी बातें हैं इसी में, एक घंटा लगेगा बोलने के लिए, उतनी बातें इसमें हैं। पौलुस अभी फिलिपी कलिशिया वालों, कलिशिया के लोगों के लिए चिट्ठी लिखता है, पत्र लिखता है। आजकल SMS हो गया, या तो व्हाट्सएप में मैसेज कर देते हैं, या तो मैसेंजर में मैसेज डाल देते हैं, बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं। और इस समय में हम अगर यहां से कोई दोस्त को किसी भी देश में रहता है तो उसको हम एक मैसेज भेजना चाहेंगे तो वो मैसेज उसी समय में उसको वहां पहुंच जाती है, बस देरी उस वो मोबाइल कॉल के पढ़ने में देरी है। अन्यथा जिस वक्त मैं यहां से ओके देता हूं उसी वक्त उनके पास चला जाता है। लेकिन इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, पौलुस अभी इस फिलिपी कलीसिया के लोगों से बहुत दूर है, शारीरिक तौर से भी दूर है, आत्मिक तौर से भी दूर है। दूर में रहते हुए वो चिट्ठी लिखता है, पत्र लिखता है। क्या लिखता है? केवल इतना करो, कंसिस्टेंस लाइफ के बारे में मैं बोल रहा हूं, संगति के जीवन, परमेश्वर के साथ की संगति के जीवन के बारे में बोल रहा हूं। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। मेरे बात पर ध्यान दीजिए, हम सबको हमेशा एक साथ नहीं रहते हैं। दुनिया में जितने भी प्रभु के नाम में पाए जाने वाले लोग हैं, आप आपके पास्टर के साथ नहीं रहते हैं, आप सेवकाई में रहने वालों से मैं बोल रहा हूं, आप आपकी लीडर के साथ नहीं रहते हैं, आप आपकी जितने वरिष्ठ आत्मिक अगुवे हैं उनके साथ आप नहीं रहते हैं। लेकिन पौलुस यहां पर इस बात पर जोर देता, तुम्हारा जो चाल चलन है ना, उस चाल चलन जो तुम प्रचार करते हो सुसमाचार अर्थात प्रभु यीशु मसीह की, उसकी उस वचन के अनुसार तुम्हारा चाल चलन हो। कंसिस्टेंट लाइफ का मतलब क्या है? संगति के जीवन का मतलब क्या है? हम तुम्हारा साथ रहे या ना रहे, हम तुमको देखे या ना देखे, हम तुम्हारे पास आए या शायद नहीं भी आ सकते हैं, मैं प्रचार करते करते कहीं मारा जाऊंगा, लेकिन जो सुसमाचार तुम पढ़ते हो, तुम दूसरों को बताते हो, हम लोगों ने तुमको जो सुसमाचार दिया, प्रचार किया, उसके अनुसार तुम्हारा चाल चलन होना चाहिए। मैं बहुत परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं, इस प्रकार मेरे जीवन में बहुत मौका मिला है। कई साल लोगों के बगैर एकांत जगह में इस सुसमाचार के हेतु रहने के लिए बहुत मौका परमेश्वर ने दिया, लेकिन उस समय में हम वहां के लोगों के साथ जितना संगति किए उससे ज्यादा मेरी संगति परमेश्वर के साथ थी। आज भी वैसी जीना पसंद करता हूं, क्योंकि परमेश्वर के साथ जिसकी जिंदगी सही है, जिस व्यक्ति का रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है, वो व्यक्ति परमेश्वर का मंदिर के रूप में अपना शरीर को पवित्रता के साथ रखने में कोई तरह की दिक्कत नहीं हो सकती। इसलिए पौलुस कहता, मैं तो अगला पद में लिखता है कि मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी देखो, मैं आ भी सकता हूं फिलिपी शहर में, मैं फिर वापस नहीं भी आ सकता हूं, लेकिन मेरे बात पर ध्यान देना, मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे मैं ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में मैं यही सुनूं कि एक ही आत्मा में स्थिर हो, आपस में लड़ना नहीं, आपस में सेवकाई को तितर पितर नहीं करना है, आपस में सेवकाई को बर्बाद नहीं करना, एक आत्मा जो मसीह की आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, उस आत्मा में कनेक्ट हो जाओ, सब कोई एक हो करके सब कोई उस सेवकाई को संभालो, इस सेवकाई को बढ़ाओ, इस सेवकाई को आगे की ओर ले चलो, ना कि इस सेवकाई को बर्बाद करो। इसलिए वो कहता है एक चित्त हो करके सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। कितना सुंदर एक 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 सही अगुआ, एक सही अगुआ सही तौर से अगुवाई करते हुए हम पौलुस के जीवन में देखते हैं। पौलुस उस फिलिपी कलिशिया से बहुत दूर है, वो दूसरा शहर में है, वहां से उस कलिशिया के लोगों को पत्र लिखता है कि मैं तुम लोगों से यही तुम में से देखना चाहता हूं कि जो सुसमाचार तुमने सुना है
उसके अनुसार तुम्हारे चाल चलन योग्य हो, अयोग्य चाल चलन नहीं, योग्य चाल चलन बिताए, एक आत्मा में रहे। अब इस सुसमाचार का जो काम है इसको विश्वास के साथ परिश्रम करते हुए आगे को ले जाओ। मैं इससे ज्यादा तुम लोगों से उम्मीद नहीं रखता हूं, इससे तुम लोगों से ज्यादा मैं नहीं मांगता, मैं यही मांगता हूं वो सुसमाचार के अनुसार तुम्हारा चाल चलन हो, एक आत्मा में बने रहे और इस सुसमाचार की सेवकाई को आगे को ओर लेते जाए। 28 पद पढ़े, और किसी बात में विरोधियों से भाई नहीं खाते, ये उनके लिए विनाश का स्पष्ट, ये उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है। परंतु तुम्हारे उद्धार के लिए और यह परमेश्वर की ओर से है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का ये परमेश्वर की ओर से है। बहुत सारे लोग तुम्हें बर्बाद करने आएंगे, बहुत सारे लोग फिलिपी कलीसिया के लोगों से कहता है, बहुत सारे लोग तुम्हारे संगति को, जो परमेश्वर के साथ तुम्हारी जो संगति है, इस संगति को तोड़ने के लिए बहुत सारे विरोधी दल वाले आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, चाहे आप पाप में गिराने के लिए आएंगे, चाहे आपको डरा के धमका करके यीशु को इनकार करो, घर वापसी में आ जाओ, इस प्रकार बहुत सारे लोग आएंगे। तो उस समय में तुम जो सुसमाचार मैंने सुनाया उसको थामे रखो और उस यीशु के आत्मा में बने रहो, एक चित्त, सबको एक साथ एक चित्त रहो और उनके सामने 28 पर किसी बात में विश्वास विरोधियों से भय ना करते, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है। अगर हम विरोधी जब हमको धमकाएंगे, जब हमें परमेश्वर के संगति से अलग करने के लिए बहुत प्रकार के तरीकों को इस्तेमाल करेंगे, उस समय प्रभु में अटल रहना, उसके आत्मा में अटल रहना, उसकी सुसमाचार में अटल रहना। तुम्हारा चाल चलन जिस तरह सुसमाचार को सुनने के बाद बदल गया था प्रभु यीशु के समान, वो फिर नहीं बदलना है। एक बार जब प्रभु को अपना लिया, एक बार प्रभु को दिल में जो जगह दिया है, उसके बाद फिर दूसरा परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसी में बने रहो। पौलुस का वही मेन बात है, कंसिस्टेंस, उसी में स्थिर रहना, उसी में बने रहना, उसी संगति में बढ़ते जाना। इससे क्या होगा वो भी बतलाता है। ये शब्द बहुत अच्छा है, तुमको जो बरमाने के लिए बहुत लोग आएंगे, तुमको डराने के लिए जो बहुत लोग आते हैं, या तुमको धमकाने के लिए बहुत लोग आते हैं, और नियम कानून सरकार से मिलने वाले बहुत बातें ला करके तुम्हारे सामने रख देंगे, अगर तुम यीशु को नहीं छोड़ेगा, कलीसिया को नहीं छोड़ेगा, बाइबल नहीं छोड़ेगा, जब तक तुम यीशु का नाम की इनकार नहीं करेगा, तुम्हारे लिए कोई मदद नहीं मिलेगा, इस प्रकार बहुत बातों को ले आकर के तुम्हारे सामने खड़ा कर देंगे, तो तब तुमको प्रभु को प्रभु प्रभु या तो प्रभु से अलग ऐसा निर्णय लेने की जगह में लाएंगे तुमको, उस समय तुम्हारा निर्णय सही हो। अगर तुम्हारा निर्णय सही रहेगा, कंसिस्टेंस लाइफ, प्रभु यीशु के साथ की रिश्ता, प्रभु यीशु के साथ चलने की रिश्ता, प्रभु यीशु के साथ उस समय में गहरा रिश्ता तुम बना करके उनके सामने बयान करोगे, तो इससे उनके साथ क्या होगा, बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है 28 पद में लिखा है, किसी बात में विरोधियों से भय नहीं रखते, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है। अगर हम अटल रहेंगे उस संगति में, कंसिस्टेंस लाइफ यानी प्रभु यीशु के साथ संगति के जो जीवन है उसमें हम अटल रहेंगे, जो हमारा विरोध करता है, जो हमें परमेश्वर से अलग करना चाहता है, उसके लिए वो विनाश का चिन्ह है। मेरी बात को समझ, मैं नहीं समझता आप कितना समझ रहे हैं, जिस तरह आपका अनुभव है उसी तरह आप समझ पाएंगे। बहुत सारी विरोध की बातें आएगी, बहुत सारे विरोधी वाले आएंगे, बहुत सारे परमेश्वर से हमें अलग करने के लिए कोशिशें होगी, कानून भी बनेगी, सब कुछ होगा, लेकिन उस परिस्थिति में आपका जो बयान है प्रभु यीशु मसीह के प्रति, वो इससे आधारित हो जिस तरह आपकी संगति यीशु के साथ है। यीशु के साथ आपकी सिंगल संगति मजबूत है, आपका बयान भी मजबूत रहेगा, उस बयान से उनके लिए नाश का दिन नियुक्त किया जाएगा। मैं मेरे बात को समझ, परमेश्वर को बर्दाश्त करने का एक सीमा, मैं इस बात को भी क्लियर करना चाहता, परमेश्वर को बर्दाश्त करने का एक सीमा कि परमेश्वर सुधरने के लिए मिस्र देश के राजा फिरौन को बहुत मौका दिया,
लेकिन वो सुधरना ही नहीं चाहता था। सुधरने के बदले वो अपने दिल का और कठोर करता था। इसके चलते इसराइलियों को लाल समुद्र पार करने दिया, उसी लाल समुद्र को दो भाग करते हुए इसराइल के विरोध करने वाले उन मिस्रियों को उसी में डुबा करके दबा करके मुआ दिया। परमेश्वर जानता है बदला किस तरह लिया जाए, उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता पौलुस के कहने के अनुसार कंसिस्टेंट लाइफ, परमेश्वर के साथ की जो संगति की जिंदगी है उस जिंदगी में अटल रहो और उसी में स्थिर रहो, उससे जरा सा भी पीछे ना हटो। बहुत सारी बातें ऐसा आएगी लेकिन उन बातों को समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक उदाहरण बोल रहा हूं, उसमें ज्यादा समय लगेगा लेकिन एक ही लाइन में बोल रहा हूं, समझ लीजिए। यूसुफ को परमेश्वर से अलग करने के लिए बहुत सारी विरोधियां उसके सामने खड़े हुए थे। उसके माता पिता भी उसके दर्शन को समझ नहीं पा रहे थे, बल्कि उसका दर्शन को याकूब अपने मन में रख लिया था। बाइबल बतलाती है उसका पिता याकूब ने उसका दर्शन को उसके मन में रख लिया था, लेकिन उसके भाइयों ने उसकी बातों को नहीं समझ पाया। खुद भाई लोग उसके विरोधी बन गए थे। अब जहां उसको ले जाकर के बिक्री कर रहे थे गुलामों को बाजार में नंगा करके, बाइबल में भले नहीं है लेकिन वैसे ही हुआ था, क्योंकि उसके जिंदगी की जो किताब लिखने वाले वो उन लोग लिखते हैं कि उन दिनों में जैसा बैल बाजार होता है उसी तरह गुलाम बाजार होती थी। उस गुलाम बाजार में सारे गुलामों को नंगा करके खड़ा करता था लोग बेचने वाले, क्योंकि उसके शरीर में क्या कमी है, क्या घटी है, हाथ टूटा है, पैर टूटा है, कमर में चोट है, ये सब दिखना है, तभी उस पर पैसा लगा करके लोग खरीदते थे। यूसुफ को उस जगह में खड़ा किया गया, वो नंगा था, लोगों ने उसका समझ नहीं पाया। जो खरीदा था उसके घर में जाने के बाद पोतीपार के घर में उसकी पत्नी उसके साथ बेविचार करना चाहती है, शारीरिक संबंध बनाना चाहती, वो बोलता नहीं मैं परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करूंगा, जो करना कर लो। तो इस प्रकार, लेकिन जिस देश में इनको इस तरह सताया गया था वो परमेश्वर के संगति में बढ़ता गया, जरा सा भी बाल भर भी परमेश्वर के संगति से वो अलग नहीं रहा। बाइबल धर्मशास्त्र बारंबार यूसुफ के बारे में बतलाती है परमेश्वर उसका साथ था, परमेश्वर यूसुफ का साथ था, और उस परमेश्वर उसके किसी दिन जिस देश में गुलाम के रूप में बिक्री करने के लिए लोग ले गए थे उसी देश का वो प्रधानमंत्री बन गया। He became Prime Minister of Egypt। मैं आपसे कहना चाहता हूं इजिप्त मिस्र देश का वो प्रधानमंत्री बन गया। अब सबको आकर उसके सामने झुकते हैं। आपकी संगति अगर परमेश्वर के साथ मृत्यु के समय तक, मरते समय तक अगर सही रहेगा, आप मैं भविष्यवाणी की तरह इस बात को कह रहा हूं, आपका सर ऊपर उठते जाएगा, आपका स्तर भी ऊपर उठते जाएगा, सब कोई आपके सामने आके झुकेंगे, संगति से अलग नहीं होगा। उसी के बारे में मैं प्रचार कर, कंसिस्टेंस लाइफ, संगति के जीवन, परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बना के जिए, जिससे परमेश्वर हमें और आगे की ओर ले जा सके। दूसरी बात पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों के पत्र उसकी 4 अध्याय 12 पद, पहला थिस्सलुनीकियों फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस उसके 4 अध्याय 12 पद पढ़े, पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 4 अध्याय 12 पद, ताकि बाहर वाले से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी न हो। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके लिए भी उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो, अज्ञान रहो, ऐसा न हो कि तुम दूसरे के समान सुख करो जिन्हें आशा नहीं। एक मिनट, 10 पद से पढ़ेंगे, एक साथ कनेक्ट हो रहा है, ऊपर नीचे है, पढ़ेंगे सारे 9 पद से ही पढ़ेंगे। किंतु भाईचारे के प्रीति के विषय में यह अवश्य नहीं मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना, आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है, और सारे मकदूनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ, और जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसा हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने
प्रयत्न करो। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, हम अपना काम को छोड़ करके इधर उधर करने लगते हैं। पौलुस उस बात को मना करता है, अगर तुम परमेश्वर का पवित्र मंदिर बन करके जीना चाहते हो, पहले आपस में रिश्ता सही रखो। केवल परमेश्वर के साथ सही रिश्ता नहीं, तुम जिनके बीच में रहते हो उनका भी रिश्ता सही कर लो। करने के बाद 11 पद है, हिंदी में 11 पद है, जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी वैसे ही चुपचाप रहने। बहुत लोगों को चुपचाप रहना मुश्किल है, बकबक करते रहेंगे। बाइबल धर्म शास्त्र मतलब वो बकवादी आत्मा है। कुछ लोगों से ऐसा होता है, मतलब वो बिना बोले नहीं रह सकते हैं, लगेगा कि मर जाएंगे हम। इसलिए क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं वैसा भी कोई अंदाज नहीं है, तो अपना बोलते जाएंगे। पौलुस इस बात पर जोर देता है, अगर तुम सचमुच एक परमेश्वर का मंदिर बनकर के जीना चाहता है, तुम्हारा शरीर को परमेश्वर का मंदिर के रूप में तुम अन्य जातियों के सामने अपने लोगों के सामने प्रकट करना चाहते हो, एक बात पर ध्यान देना। जब ऊपर के बात वचन को मैं फिर नहीं पढ़ा रहा हूं, 9 पद में लिखा आपस में प्रेम रखो, आपस में तुम्हारा रिश्ता सही होना है। लेकिन उसके अलावा गंभीर बात यह है कि वैसे चुपचाप रहने, मैं तुमको आज्ञा देता हूं चुपचाप रहने। बोलने का एक समय होता है, चुपचाप रहने का एक समय होता है, खेत में बोने का एक समय होता है, काटने का एक समय होता है, 30 दिन काम करने का समय होता है, 31 तारीख वेतन लेने का समय होता है, कपड़ा खरीदने का समय होता है, कपड़ा सिलने का समय होता है, जमीन खरीदने का समय होता है, मकान बनाने का समय होता है। इस प्रकार हर काम के लिए समय होता है। अब पौलुस ये कहना चाहता चुपचाप रहने का एक समय और अपना अपना काम काज करने का समय, अपना अपना हाथों से कमाने का प्रयत्न करने का एक समय। तो इस प्रकार के जो जीवन है हमें परमेश्वर का मंदिर बनने लायक बनाती है। अगर आप हमेशा बोलते रहेंगे, कोई ब्रेक नहीं है, बोलते जाएंगे तो आपको कोई परमेश्वर का मंदिर के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता है। तो लगता है इस आदमी में दुष्ट आत्मा है, इसलिए बोलते रहता है। कल हम और अभिषेक एक जगह जा रहे थे पानी लाने के लिए, रास्ता में एक व्यक्ति बैठा गया। मैं उनसे एक ही लाइन पूछा, लेकिन वो 200 लाइन हमको जवाब दिया। मैं रास्ता में अभिषेक से बोला, अभिषेक इस व्यक्ति को समझ लो, इनसे थोड़ा दस दूर ही रहना है, क्योंकि इनको ज्यादा बोलने की आदत है। एक सवाल किए एक लाइन में, तो उसके लिए वो 200 लाइन में जवाब दे रहे। मेरी बात को समझने की कोशिश की। वैसा लोग कभी भी परमेश्वर का मंदिर, इसलिए बाइबल धर्म शास्त्र बतलाती है चुप रहने का एक समय है, अपना अपना काम काज करने का समय है, अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करने का समय है। तो इन सारी बातें के ऊपर पौलुस लिखता है, आपस में सबके साथ मेल मिलाप के साथ, प्रेम के साथ, रिश्ता के साथ रहो। वो रिश्ता कंटिन्यू कैसे होगा, इस प्रकार की जिंदगी जीने से कंटिन्यू होगा। मान लीजिए हमको यहाँ प्रचार करने के जैसे, अगर हम दिन भर प्रचार करते रहेंगे सब कोई हमसे दूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति घर में हमेशा बोलते रहे, उस व्यक्ति से कोई बात नहीं करेगा, उसका उसे लोग अलग हो जाएंगे। इसलिए पौलुस इस बात को बतलाता, केवल प्रेम नहीं करना, केवल रिश्ता नहीं, इस तरह के जीवन भी बहुत जरूरी है। इसी से लोग तुमको समझेंगे कि तुम परमेश्वर का मंदिर है कि नहीं। एक और वचन को पढ़ेंगे, तीसरी बात पढ़े, पहला तिमोथी उसकी पत्री, 5 मिनट में मैं समाप्त करता हूं। पहला तिमोथी उसकी पत्री उसकी तीसरी अध्याय 7 पद है, तीसरी अध्याय 7 पद, पहला तिमोथी उसकी तीसरा अध्याय 7 पद को पहले पढ़ेंगे। और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। तो ये क्यों इस प्रकार के पद को, इस प्रकार के शब्द को पौलुस कठिन शब्द को क्यों इस्तेमाल करता है? अगर हमारा जिंदगी, हमारी संगति परमेश्वर के साथ कंसिस्टेंस के साथ है, यानी परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता के साथ अगर हम रहेंगे, हमारे लिए ये पद नहीं है। अगर हमारे जिंदगी, हमारा संगति परमेश्वर के साथ, संगति के जीवन अगर मजबूत नहीं है, तब इस प्रकार के शब्दों को इस्तेमाल करता है। क्या कह रहा है?
बाहर वालों भी, बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदा होकर शैतान के फंदे में कोई फंस जाए। ये व्यक्ति कौन है, किसके बारे में पौलुस इस प्रकार लिखता है, पढ़ेंगे चार पद से पढ़ेंगे। अपना घर का, अपने घर का अच्छा प्रबंध, अपना घर का अच्छा प्रबंध करता हो, और अपने बाल बच्चों के सारे, अपने लड़के वालों को, बाल बच्चों को सारी गंभीरता से आधीन रखता हो, आधीन रखता हो। जब कोई अपने घर का ही प्रबंध, जब कोई हो, जब कोई अपना घर ही का प्रबंध करना न जानता हो, तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली, परमेश्वर की कलीसिया की रखवाला क्यों कर करेगा। फिर यह नया चेला ना हो, फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके, अभिमान करके शैतान के, शैतान का सा दंड पाए। पौलुस बहुत गंभीर शब्द के यहाँ लिखता है। मेरा समय समाप्त हो गया, लेकिन मैं यहाँ पर एक ही लाइन बोलना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। अगर आपको परमेश्वर का, अपने शरीर को परमेश्वर का मंदिर के रूप में रखना है, तो आपकी संगति परमेश्वर के साथ सही होना है। जिसकी संगति परमेश्वर के साथ सही है, जिसकी रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है, वही अपना शरीर को पवित्र मंदिर बना सकता है, अन्यथा इस प्रकार की गड़बड़ियां होगी। इसमें चार पद में लिखा है कि लड़के वालों को सारी गंभीरता से आधीन रखना हो, अपने बाल बच्चों को सही तौर से रखना, अपने बाल बच्चों को सही तौर से सिखाना, अपने बाल बच्चों को सारी प्रबंध, उनके लिए अच्छा प्रबंध करता हो, और उन बाल बच्चों को सही तौर से गंभीरता से आधीन में रखता हो। जब कोई अपना घर ही का प्रबंध करना न जानता हो, वो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाला क्यों कर करेगा, कैसे कर पाएगा। तो इसीलिए उनको ऊपर किस प्रकार के पौलुस दंड सुनाता, फिर यह कि ना नया चेला ना बने, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। मेरे प्यारे, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, हमारी संगति परमेश्वर के साथ सही हो। मैं उसी पर बार-बार बोल रहा हूं, हमारी संगति, हमारी रिश्ता परमेश्वर के साथ सही रहेगा, कंसिस्टेंस लाइफ, संगति की जीवन, संगति की रिश्ता परमेश्वर के साथ सही संगति, सही रिश्ता बना करके अगर हम जिएंगे, परमेश्वर हमें अपना मंदिर बना करके हमारे अंदर उसके लिए जीना आसान है। अगर हम उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसकी संगति से बढ़कर हम संसार के लोगों की संगति के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, वही पर प्रॉब्लम है, वही पर समस्या है। एक आखिरी पद को पढ़ करके हम प्रार्थना करेंगे। याकूब की पत्री उसकी तीसरी अध्याय 13 पद है। याकूब की पत्री उसकी तीसरी अध्याय 13 पद, तुम्हें ज्ञानवान और समझदार कौन है। याकूब की पत्री तीसरी अध्याय 13 पद को पढ़ रहा हूं, पढ़। तुम्हें ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छा चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे, जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। सचमुच मेरे अंदर के ज्ञान परमेश्वर की ओर से आती है, तो हमारे अंदर नम्रता होगी। बहुत गहरी बात है, मैं अफसोस कर रहा हूं, समय समाप्त हो गया। अगर मेरा अंदर का ज्ञान, मुझमें से जो ज्ञान प्रकट होती है, वो परमेश्वर की ओर से अगर मुझे मिला है, उसका पहचान मैं बतला रहा हूं, बाइबल धर्म शास्त्र बतलाती है, उस व्यक्ति में नम्रता होगी, दीनता होगी, परमेश्वर की आधीनता में रहेगा। नम्रता, दीनता और आधीनता, परमेश्वर की आधीनता में वो व्यक्ति अगर नहीं है, तो इसका मतलब वो परमेश्वर के संगति में नहीं है। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। दानियल के बारे में बाइबल धर्म शास्त्र बतलाती है, वचनों को पढ़ने के समय नहीं, दानियल के बारे में बाइबल धर्म शास्त्र बतलाती है, राजा ने कोई स्वप्न देखा और उस स्वप्न को भूल गया। अब देश के तमाम स्वप्न का अर्थ बताने वालों को बुला लिया, सबको बोल रहा है कि मेरा स्वप्न भी बोलना है और उसका अर्थ भी बोलना। मैं स्वप्न देखा लेकिन भूल गया था, अब हमको याद नहीं आ रही है, अब हमको दोनों चाहिए, स्वप्न भी बताओ और उसका अर्थ भी बताओ। कोई नहीं, पूरा देश में लोग, बाबुल देश में लोग ढूंढ रहे हैं, वैसा आदमी कहां है, दुनिया में कौन ऐसा आदमी है। तब किसी ने राजा को बताता है, यहां दानियल नामक एक व्यक्ति है,
उनके अंदर उनका देवता का आत्मा है। मैं अफसोस कर रहा हूं इस बात को आपको समझाने के लिए मेरे पास समय नहीं, लेकिन मैं संक्षेप में बोल रहा हूं। तो जो व्यक्ति राजा को बोल रहा था दानियल के बारे में, वो बोलता है यहां एक व्यक्ति है जिसका नाम दानियल है, जिसका परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर है, उसका आत्मा विशेष आत्मा है। राजा चकित हो गया, अरे विशेष आत्मा है, कैसा आत्मा है वो, उनका उनका परमेश्वर उनका अंदर है, उनके परमेश्वर का आत्मा उनका अंदर है, वो हर बातों को बतला देगा। राजा उसको एक मौका देके उसको बुलाइए और उसे पूछिए, वो आपको बतला देगा। जब बुलाया गया था, दानियल कहता हम अभी भी बता सकते हैं लेकिन अभी नहीं, थोड़ा समय दीजिए हमको, हम आएंगे आपसे मिलने के लिए। क्यों उसी समय वो बोल सकता था, क्यों नहीं बोला? वो परमेश्वर को प्रकट करना चाहता, मैं आपका ध्यान को आकर्षण करना चाहता हूं, ध्यान दीजिए कि आप मेरी ओर नहीं परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन को हो। यही पहचान है कि परमेश्वर को ऊपर उठा के दिखाने के लिए वो अपने आप को नम्र करता है। अगर उसी समय वो बोल दिया होता, दानियल का नाम हाईलाइट हो जाता, उसका परमेश्वर का नाम को लोग मिटा देते। वो कहता मैं बाद में आऊंगा, आपका स्वप्न भी बतलाऊंगा और उसका अर्थ भी बतलाऊंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए, मेरा परमेश्वर करेगा, मैं नहीं करूंगा, मेरा परमेश्वर करेगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। तुम में ज्ञानवान, उसी वचन का मैं पढ़ रहा हूं, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से चलेगा। जो देश चलाते हैं, चलाने वालों में से, पूरे विश्व के देशों के बारे में बोल रहा हूं, देश चलाने वालों का अगर अंदर अगर नम्रता नहीं है, परमेश्वर उनके द्वारा काम नहीं कर सकता है। नम्रता के अपोजिट वर्ड घमंड। जिस देश को चलाने वाला के अंदर अगर घमंड है, वो देश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यहां पर बतलाया जाता नम्रता, मैं परमेश्वर को प्रकट करना चाहता हूं या मैं अपने आप को प्रकट कर रहा हूं। दानियल के जीवन से बहुत अच्छा से सीखने के एक अच्छा मौका मिलती है। दानियल कहता मैं बाद में आके बतलाऊंगा, दोनों बतलाऊंगा, आपका स्वप्न भी बतलाऊंगा, उसका अर्थ भी बतलाऊंगा, तब तक इंतजार कीजिए क्योंकि मुझे बताने वाला मेरा परमेश्वर। मैं किसको हाईलाइट करता हूं? जिसके साथ हमारे, अगर हमारे संगति परमेश्वर के साथ सही है, मैं अपने हर कामों में उसी को आगे ला करके खड़ा करूंगा। ऐसा परमेश्वर हमें जीवन जीने के लिए सहायता करने के लिए। आइए हम अपने जगह में खड़े हो जाए, प्रभु से कहें प्रभु एक कंसिस्टेंस लाइफ, आपके साथ संगति की जीवन मेरा सही होने पाए, मरने समय तक, मरते समय तक जब तक दम तोड़ूंगा नहीं, जब मेरा दम जब टूटेगा जीवन हमारे को दे, ताकि उसी के द्वारा प्रभु अनुग्रह प्रदान कीजिए, हर एक को पर दया कीजिए, सब किसी को आशीर्वाद दे, सब किसी के घराने हर किसी को आशीर्वाद दे, जो यहाँ आराधना में भाग लिए हैं, जो दूर में रह करके तेरे वचन को सुन रहे हैं, सबों को ऊपर आशीष दे। अंत में परमेश्वर पिता आपसे यही प्रार्थना करते, सबको, सबका शरीर को आपका पवित्र आत्मा का मंदिर के रूप में, पवित्र मंदिर के रूप में बन के रहने के लिए, जीने के लिए हर किसी को सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ सबको आशीर्वाद दे, सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर ले पिता, आमेन आमेन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, हे मेरे मन।